and the world's cheapest country. Yo! गुड मॉर्निंग और आज है हमारा डे 3। यस, और सुबह की मॉर्निंग थी तो हमने सोचा कि आपको अभी जो बज रहा है आई गेस बज रहे हैं 6 o'clock। यस, और सुबह बहुत ही अच्छी ठंडी थी, वेदर हो रहा है। और अभी हम आए हैं यहाँ के पार्क, बहुत ही खूबसूरत पार्क है, तो अभी आपको मॉर्निंग वॉक कराते हैं पार्क के अंदर। तो हमारे होटल के एकदम पास, बिल्कुल पास है, तो चलते हैं। ब्यूटीफुल, बहुत ही खूबसूरत। और ये बिल्कुल जो टावर है, टीवी टावर, इसके ऑपोजिट में सामने ही है, तो चलते हैं आपको दिखाते हैं। बर्ड्स, काफी सुंदर बना रखा है। ब्यूटीफुल, क्या जबरदस्त गेंदे के फूल है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। आपको दिखाते हैं कि बेसिकली जिस तरीके से हमारे इंडिया में बनाया गया है सोल्जर्स के लिए, जिन्होंने वॉर में अपनी जान दी थी देश के लिए, ये उनके लिए स्मारक बना रखा है। बहुत ही खूबसूरत है। And let me take you to the different side. There is a river. So आप river side पे आपको लेके चलते हैं। And ये जो आपको दिख रही है ये मस्जिद है, और ये उगेगिस स्टाइल से बनी हुई है। वुडन जो आपको दिख रहा होगा, ये वुडन का काम इस पे कर रखा है, और साथ में ये जो ब्लूइश इस पे जो डूम बना रखा है बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। यस, या ब्यूटीफुल। दिस इज अ रिवर, काफी तेज बहाव है पानी का, आवाज भी आ रही है पानी की, एंड लोग आराम से देखें रिवर साइड पे बैठ के एंजॉय कर रहे सुबह का दिन। कुछ लोग गाने सुन रहे, कुछ लोग नदी के बहाव को देख रहे। यहाँ पर हमें एक चीज देखने को मिली कि जब भी हम लोग लोकल लोगों से मिलते हैं और उन्हें पता लगता है कि वी आर फ्रॉम हिंदुस्तान, दे आर बिकम वेरी एक्साइटेड, और वो हर बारी हमसे फोटो क्लिक कराते हैं हमारे साथ और हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। बट यस, इफ दे नो इंग्लिश डेफिनेटली दे कैन कम्युनिकेट विद अस, और काफी अच्छा लगता है। और अगर इवन इंग्लिश नहीं भी आती है तो इतनी वो, मतलब यार इतनी फ्रेंडली है, मतलब वो आपको अपनी लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते कि मतलब दे लव इंडिया, दे आर फ्रेंड्स। काफी बढ़िया, मतलब ये माहौल हमें लगा दिव्य, है ना दिव्या? तो ये एक्सपीरियंस जब से मैं, ये थर्ड डे है और 3 दिन से यही एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। कहीं भी जाता हूँ, अगर मैं किसी से फोटो क्लिक कराने के लिए कैमरा दे देता हूँ, डेफिनेटली यही होता है। यस, और कुछ लोग तो फ्रेंडली, यस, कुछ लोग तो मुझे ऐसा भी लगे कि हम लोग जैसे वॉक कर रहे हैं तो उन्होंने हमें स्टॉप किया, स्टॉप करके पूछा, बात करी। ऐसी जब हम लोग पार्क में थे, वो टैक्सी की वेट कर रहे थे, तो लॉट ऑफ लोकल पीपल स्टार्ट टॉकिंग टू अस। सो काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी सेफ एंड काफ़ी फ्रेंडली कंट्री है, और आपको बिल्कुल फील नहीं होता नो, एंड काफ़ी साफ सुथरी है, काफ़ी बढ़िया है। और एक चीज़ और ऑब्जर्वेशन जो मेरे जहन में आई, यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ हैं ना,
90% इज फॉर शवलेट। सो ये भी जबरदस्त है। ये ऐसा हुआ था कि जैसे इंडिया में सुजुकी ने गवर्नमेंट के साथ टाई अप करके सुजुकी की गाड़ियां मैन्युफैक्चर करना शुरू की थी, तो उस टाइम पे क्या हुआ था कि सुजुकी की गाड़ियां इंडिया में ज़्यादा थी। इसी टाइप से जो शेवरलेट ने क्या किया कि यहाँ की गवर्नमेंट के साथ मिलके शेवरलेट की मैन्युफैक्चरिंग करना यहाँ पे शुरू करी, जिससे हुआ क्या कि जो शेवरलेट की गाड़ियां थी यहाँ मैन्युफैक्चरिंग करने की वजह से गाड़ी सस्ती हो गई, और बाहर से गाड़ी इम्पोर्ट करने पर काफ़ी हैवी इस पर ड्यूटीज लगती है। तो यहाँ पर जो आपको गाड़ी लगाकर दिखेगी वो शेवरलेट की दिखेगी। इवन यहाँ पर हमें ओमनी वैन जो सुजुकी की है वो यहाँ पर अंडर द ब्रांड ऑफ शेवरलेट बेच रहे हैं। सो यहाँ पर मैंने जितना देखा, जितनी टैक्सी बुक करी, कहीं भी गया, मोस्टली शेवरलेट। तो दिस इज़ द रीज़न, दिस इज़ अ फैक्ट। तो मुझे लगा आप लोगों के संग शेयर करना चाहिए। एंड उज़्बेकिस्तान की हिस्ट्री काफ़ी ज़बरदस्त है, एक हिस्टोरिकल सिल्क रूट कंट्री है, और तस्किम उस कंट्री का एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल है। लोग यहाँ पर जब भी पुराने सिल्क रूट को फॉलो करते थे, इंडिया चाइना से लोग यहाँ पर आते थे, यूरोप जाते टाइम पे यहाँ पर रुकते थे, और ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था। सो इसकी ये महत्व है, और इसीलिए यहाँ के जो लोग हिंदुस्तान करके हमारे देश को जानते हैं, और इसीलिए उनसे प्यार करते हैं। तो और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए यहाँ का जो वीज़ा है वो बिल्कुल फ्री है 5 दिन के लिए। तो अगर आप भी प्लानिंग कर रहे हैं इस वीडियो को देख के यहाँ पर आने की, तो आप आराम से आ सकते हैं। 5 दिन तक आप बिल्कुल फ्री रह सकते हैं और आराम से इंजॉय कर सकते हैं। कंट्री ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सो आप आराम से घूम फिर सकते हैं। टैक्सी वैक्सी, खाना वाना बहुत ही रिजनेबल प्राइस पर है। ईद की तैयारी होना शुरू हो गई है, पीछे लिखा है ईद मुबारक, तो ईद की तैयारी होना शुरू हो गई है। और ये है यहाँ की लोकल मार्केट, तो अभी लेके चलता हूँ आपको और यहाँ को दिखाता हूँ। तो देखिए दोनों तरफ फ्लावर वाला लगा दिए, ईद की ज़बरदस्त तैयारी होने लगी है। सो बिकॉज अब थोड़ा सा टाइम बचा है ईद को, ये देखिए दोनों तरफ अच्छी तैयारी। स्मॉल कैफे, तो ये काफ़ी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बेच रहे हैं, तो काफ़ी चीज़ें हैं हमें यहाँ देखने को मिली। दिस टाइप ऑफ द फूड सेलिंग इट, तो रोड साइड पे आपको इस साइड के ब्रेकफास्ट मिल सकते हैं, पोटैटोस समथिंग फ्राई, या सो दीज आर द थिंग्स, दे आर फ्राइंग फ्राई, इट्स लाइक अ कचौड़ी, आलू की कचौड़ी, इस टाइप के फ्राइज है ये हमने ले लिए। यस ये हमने ले लिए, एंड वी गॉट इट एट अराउंड 3000। थैंक यू, गर्म गर्म है, मजा आ रहा है। क्योंकि मैंने एक्चुअली अभी हम लोग ना अपने होटल के पीछे आए तो पता लगा यहाँ मंडी लगती है, और पूरी सब्जी की मंडी थी, और ये दुकान देखी तो काफी भीड़ लगी थी, तो पता लगा कि वेरी क्रिस्पी। ये यहाँ पर जैसे हमारे यहाँ जैसे ब्रेड पकौड़े बनाते हैं ना, समोसे बनाते, उस टाइप की ये दुकान है। तो वहाँ पर हमने खाया, पहले दिव्या मना कर रही थी, पर मैंने बोला मैं अपने लिए लेता हूँ, और मैंने खाया, देखा पूरा खा जा रही है, और मेरे को बहुत कम मिलने वाला है। फ्रेश ब्रेड मिलती है यहाँ पर। देखिए बेरीज, ये है शैतूत, तो लेते हैं कुछ सारे फ्रूट्स हैं यहाँ पर, आप देख ही सकते हैं पूरी फ्रूट मंडी लगी हुई है। एप्पल्स है, ऑल टाइप्स, चेरीज है, लुक एट द चेरीज, लुक एट द साइज ऑफ द चेरीज, अमेजिंग अमेजिंग। वाओ यार, मुझे पानी आ रहा है देख के। चेरीज तो बड़ी हर जगह ही है, और पूरी मंडी भरी पड़ी है, आप देख सकते हैं। तो पूरी मंडी सुबह सुबह लगती है मंडी, और सारे आई थिंक दीज आर द फार्मर्स जो अपने फार्म से ये चीजें सब लेके आए, एंड दीज आर रियली फ्रेश। वाओ, लुक एट द साइज ऑफ दोस चेरीज, अमेजिंग। यहाँ की लोकल मार्केट में वी आर स्टेइंग एट एलिमेंट होटल, तो एलिमेंट होटल के थोड़ा सा आगे जाके
दिस इज अ मार्केट और ये बिल्कुल लोकल मार्केट है, यहाँ पर तो हम ही दिख रहे हैं टूरिस्ट और ऑल द लोकल भी, बिकॉज ईद आ चुकी है एंड द पीपल आर बाइंग फॉर द ईद ऑल द स्टफ्स और काफी फ्रेश स्टफ है एंड द प्राइस आर रियली रीजनेबल. सो यहाँ पर ज्यादा चीजें तो मिल रही है, होलसेल तक टाइप की मिल रही है और काफी बढ़िया है एंड काफी फ्रेश है यहाँ, तो मजा आ गया. आ चुके हैं मंडी में, अनियन अंकल के पास देखिए काफी अनियन है, लाल वाली अनियन भी है. तो आपको ब्रू लेनी है या वो लेनी है लाल? ब्रू अनियन कौन सी है? सो शी वांट्स टू बाय द अनियन. अकुदा वाओ, इंडिया हिंदुस्तान. इंदिरा गांधी नमस्ते. सो पोटैटोस भी है और सब चीजें है यहाँ पर. आगे हम टमाटर की दुकान पे कुछ टमाटोस लेने के लिए. प्याज तो ले ली है, अब ले रहे हैं हम टमाटर. आज बनेगी हमारी सैलेड. हाँ दो ले लो और. तो काफी अच्छी दुकान है, काफी बढ़िया है, तो हर चीज मिल रही है. लाल टमाटर मिल रहा है, मजा आ गया, मुंह में पानी आ गया भैया. और खीरा टमाटर मिल रहा है एकदम सैलेड बनाने के लिए. तेरा बेबी चेरी टमाटोज भी है, वाओ बहुत अच्छा अच्छा. हरी मिर्च भी है, सब कुछ है यहाँ पर. और अब मसाले की मंडी भी है, मसाले वसाले ही मिल रहे है. पूरी मार्केट है मस्त एकदम. हाँ चेरी बड़ी मस्त है. हाय शी इज द वन, शी इज सेलिंग लॉट्स ऑफ गुड्स फूड एंड शी कॉल्ड मी एंड शी टोल्ड मी दैट शी वांट्स टू कम इनटू माय वीडियो. सो थैंक यू एंड यहाँ पे देख सकते हैं दे हैव नूडल्स एंड ऑल टाइप ऑफ सैलेड्स. दिस इज़ द शॉप फॉर द ड्राई फ्रूट्स, वॉलनट्स है यहाँ पर. चुचकिला है देख सकते हैं, चुचकिला भी है. सो काफी अच्छी ड्राई फ्रूट्स की दुकान है एंड वाओ. वालेकुम सलाम, थैंक यू. दीपा लेना कुछ? हाँ बादाम गिरी. वाओ लुक एट दिस. अखरोट यहाँ पर बहुत होता है, तो अखरोट की क्वालिटी जो यहाँ होने वाली है मस्त होने वाली है. किशमिश यहाँ पर होती है, बहुत ही जबरदस्त किशमिश होने वाली है. तो ये दोनों चीज तो यहाँ पर जब आते हैं एंड फिग, ये जब आ रहे हैं तो आप यहाँ पे से लेके जाइए, बिकॉज दैट्स एप्रिकॉट सॉरी एंड खजूर, ये तो बाहर से आया हमारे देश से. वाओ वाटरमेलन है भाई, वो बहुत ही मीठे मीठे है और बहुत ही जबरदस्त है. यस वाओ तरबूज. सो लुक एट द रूफ.